नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ग्राहकों की बड़ी ताकत, अब असली या नकली प्रोडक्ट की पहचान होगी आसान, जाने कैसे। जी हाँ, सरकार ने बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट और ज्वेलरी के असली या नकली होने की पहचान को आसान बना दिया है। अब ये काम सिर्फ मोबाइल से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये अधिकार ग्राहकों को दिया है। अब बाजार से आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त तुरंत जांच कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। ज्वेलरी शॉपिंग के दौरान भी एक मिनट में असली या नकली की पहचान हो सकेगी। ये जांच सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए होगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। BIS मोबाइल ऐप पर आप बेहद आसानी से किसी भी प्रोडक्ट, यहां तक कि ज्वेलरी के, आसानी से नकली होने की जांच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे दिए गए ISI मार्क और लाइसेंस नंबर को मोबाइल ऐप में डालकर चेक किया जा सकता है कि लाइसेंस नंबर सही है या नहीं। इससे प्रोडक्ट के असली या फेक होने की जानकारी मिल सकेगी। अगर लाइसेंस नंबर या हॉलमार्क नंबर सही नहीं है तो उसी मोबाइल ऐप पर आप तुरंत शिकायत या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि अब सिर्फ 400 रुपए में हो सकेगा कोरोना का टेस्ट, फोन पर ही मिल जाएगी रिपोर्ट। जी हां, IIT अनुसंधानकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कम कीमत वाला एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जिससे कोरोना वायरस की जांच मात्र 400 रुपए में हो सकेगी। IIT खड़गपुर ने दावा किया है कि इससे गरीबों को लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना का टेस्ट 4,000 रुपए में होता है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान ने ऐसी पोर्टेबल कम लागत की रैपिड टेस्ट किट विकसित की है, जो कम समय में रिजल्ट बता देती है। रैपिड टेस्ट किट की दो खास बातें हैं, इसकी कीमत महज 400 रुपए है। इसमें टेस्ट करने पर एक घंटे से भी कम समय में रिजल्ट का पता चल जाता है। वहीं टेस्ट रिपोर्ट बाद में स्मार्टफोन एप्लीकेशन से उपलब्ध होगी। इस पोर्टेबल टेस्ट किट की एक और अहम विशेषता यह है कि इसमें परीक्षण किसी भी संस्थान में किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी विशेष प्रयोगशाला उपकरणों के विकल्प के रूप में कार्य करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, चीन समेत इन देशों से भारत में कलर टीवी के इम्पोर्ट पर लगा है बैन। जी हां, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति के मुक्त से हटाकर प्रतिबंध श्रेणी में लाया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGFT से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है, उसके बाद क्रमशः वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी पर यह बैन लगाया है। 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन साइज वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD वाले टीवी पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। अब भारत में दूसरे देशों से टीवी नहीं बिकेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया ये अहम फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मात्र 350 रुपए में घर बैठे बनवाइए ड्राइविंग लाइसेंस, ये है प्रोसेस। जी हाँ, गाड़ी या बाइक चलाने के लिए लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद आवश्यक है। इसके बिना ड्राइविंग करना कानूनी अपराध माना जाता है। यही नहीं, फाइन और पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ना तो RTO ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान कर दिया है। सरकार ने ये सर्विसेज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी हैं, जिसके तहत अब आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप अपने शहर के RTO ऑफिस के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको www.parivahan.government.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल भर देनी होगी। इस तरह से आप घर बैठे ही आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उज्ज्वला योजना में और 3 महीने मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सितंबर तक फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा का फायदा देश के 8 करोड़ परिवारों को होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब MP में मिलेगी सस्ती बिजली, बड़ी राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। जी हाँ, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली। इसके लिए सीएम शिवराज ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश से बिजली बिलों पर चर्चा की है। दरअसल सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME के अंतर्गत संचालित उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ लागू होने के बाद MSME को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही घरेलू बिजली की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवल नाक मुंह से ही नहीं बल्कि कान से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक नई और हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, ये बात तो अब तक जाहिर है। हालांकि एक नए रिसर्च से सामने आया है कि वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है और कान के पीछे की हड्डी को भी। 3 मरीजों पर की गई स्टडी में इन जगहों पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन पाया गया है। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम का कहना है कि इस स्टडी के बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों में कान भी चेक किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को डबल झटका, इंडिया ने फिर बैन किए हैं 47 ऐप, अलीबाबा और पबजी पर भी सरकार की नजर। जी हां, केंद्र सरकार ने चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 अन्य ऐप्स को बैन कर दिया है। ऐसा मोदी सरकार का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है। दरअसल ये 47 ऐप बैन हुए हैं, 59 ऐप्स की क्लोनिंग कर रहे थे। इसके अलावा पता चला है कि सरकार ने 275 अन्य चीनी ऐप्स की लिस्ट बनाई है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियों का सर्वर चीन में है उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार अब जो नई लिस्ट तैयार कर रही है उस लिस्ट में कुछ टॉप गेमिंग चीनी ऐप्स भी शामिल हैं, जिन्हें बैन किया जा सकता है। रिव्यू किया जा रहा है कि ऐप की लिस्ट में जियोमी में बनाए गए जिली ऐप, ई कॉमर्स अलीबाबा का अली एक्सप्रेस, रीसो ऐप, बाय टेंडेंस का यू लाइक ऐप और पबजी शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 महीने में सब्जियों की कीमतों में 25 रुपए से 100% तक का हुआ इजाफा। ये है ताजा भाव। जी हाँ, आलू टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और बरसात के सीजन में फसल खराब होने के कारण फिलहाल इनकी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बीते 1 महीने में हरी सब्जियों की कीमतों में 25 से 100% तक का इजाफा हुआ है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ा है। कारोबारी बताते हैं कि देश के कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण है, फिर भी इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। गोभी, टमाटर और परवल समेत कई सब्जियों की खुदरा कीमतें दोगुनी हो गई हैं। 1 महीने पहले टमाटर का भाव करीब 40 रुपए प्रति किलो था, जो कि अब 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि थोक मंडियों से ही सब्जियां ऊंचे भाव पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में हरी सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिसके कारण दाम में इजाफा हुआ है। हालांकि थोक कारोबारी बताते हैं कि बरसात के साथ साथ डीजल के दाम में इजाफा होने की वजह से भी सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 अगस्त से पहले 1 लाख लोगों को मिलेगा पशु किसान क्रेडिट कार्ड। आप भी इसे ले सकते हैं। जी हां, हरियाणा की बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख आवेदकों को 15 अगस्त से पहले कार्ड दे दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री JP दलाल ने बैंकों से आह्वान किया है कि वो आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को कार्ड उपलब्ध करवाएं। योजना के तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,783 रुपए जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाएगा, ताकि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन भी किसान अपनी आय से वृद्धि कर सकें।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।